हेलो एवरीवन, आज हम मैंगो को ही आगे पढ़ेंगे। इसमें हम कुछ बेसिक बेसिक हेडलाइंस और उसकी वैरायटी के बारे में बेसिकली पढ़ेंगे। ओके, तो मैंगो का जो हेडिंग टाइम होता है वो अक्टूबर होता है। मैंगो जो रिचेस्ट सोर्स होता है विटामिन ए का, फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूटीन कटिंग जो बॉटम हेड ट्रीटमेंट दिया जाता है टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस तक। लॉन्गेविटी ऑफ सीड जो होता है वो 30 डेज 4 वीक का होता है। नेशनल रिसर्च सेंटर मैंगो का वो लखनऊ में है। अब हम इसकी वैरायटी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो जो नॉर्थ इंडियन में बेसिक वैरायटीज़ हैं और जो साउथ इंडियन में बेसिक वैरायटी है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नॉर्थ इंडिया में क्या है, मैनो एम्ब्रायनिक, ओके, अल्टरनेट बेयरिंग और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो लैंगरा चूसा और दशहरी केसरी बॉम्बे ग्रीन, ये सब वैराइटीज़ हैं। ओके, साउथ इंडिया में क्या होता है, पॉली एम्ब्रोइनिक होता है, लेगुलर बेयरिंग, ये जो है प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, और टू टू टाइप यहाँ पे पॉलिनेशन होता है। तो इसकी एग्जांपल है अर्का, बैगन पल्ली, मल्लिका। अब नेक्स्ट अपन डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, अल्फांसो क्या होता है, महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है, मोस्टली एक्सपोर्ट के लिए सबसे अच्छा है अल्फांसो। इसको हैपूस या बादामी भी बोला जाता है। इसमें जो मेनली इशू आता है वो स्पॉन्जी टिश्यू का आता है। फिर आता है चूसा, ये जो है ना स्वीटेस्ट वैरायटी है मैंगो की, ये लेट वैरायटी है मैंगो की और वैरायटी ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है क्या, चूसा। ओके, चौसा भी बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपको जैसा याद रहे आप वैसा कर लेना। बैगन पल्ली, बैगन पल्ली क्या होता है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मोस्टली उगाया जाता है। फिर बॉम्बे ग्रीन, हाईएस्ट मेलफॉर्मेशन बॉम्बे ग्रीन में होता है, नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है और ईयरली ग्रोइंग वैरायटी है, मतलब बहुत जल्दी ये ग्रो होता है। फिर केसर, केसर क्या है, केसर जो वैरायटी है ना वो प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है। ये जो गुजरात में ज़्यादा पॉपुलर है, कौन सी वैरायटी मैंगो की, केसर। फिर लंगड़ा, लंगड़ा क्या होता है, ये लेट वैरायटी है। ओके, इसको हिंदी में लंगड़ा आम भी बोलते हैं, आप लोगों ने बेसिकली सुना होगा, है ना, ये नॉर्थ इंडिया की वैरायटी है। अब नीलम, अच्छा अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नीलम के बारे में। नीलम क्या है, लॉन्ग ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही अच्छा है नीलम। ओके, मतलब हमें दूसरी जगह पे अगर उसको एक्सपोर्ट करना है दूसरे जगह पे, तो इसके लिए नीलम वैरायटी आम की बहुत अच्छी है। तो एक साल में ये 2 बार क्रॉप देता है, तमिलनाडु में मोस्टली ग्रो किया जाता है। अब आते हैं नीलम निरंजन, या इसी को बोलते हैं मधुलिका, मधुलिका इस ऑफ सीज़न वैरायटी है और ये फ्रूट देता है अक्टूबर में। फिर आते हैं जेवियर, जेवियर में सबसे ज़्यादा TSS 24.8 हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ओके, रमानी, रमानी एप्पल सेप का होता है, यूज्ड फॉर डॉर्फिंग इफेक्ट ऑन दशहरी। इसका जो सेप होता है ना वो एप्पल होता है और ये डॉर्फिंग वैरायटी है दशहरी की। एडवर्ड, एडवर्ड रेजिस्टेंस फॉर द एंथ्रोनस। फिर फैजली, फैजली क्या होता है, बिहार और वेस्ट बंगाल में ज़्यादा ग्रो किया। अब है लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी क्या होता है, पाउडरी मल्डी के प्रति रेजिस्टेंस होता है। और अब हम आगे पढ़ते हैं हाइब्रिड वैरायटी के बारे में। ओके, तो हाइब्रिड वैरायटी में सबसे पहले आता है आम्रपाली। आम्रपाली का शॉर्टकट अपन याद रखेंगे DNA, डी मतलब दशहरी और नीलम को करके आम्रपाली बनता है क्रॉस करने से। फिर इसका जस्ट अपोजिट एन इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा, फिर हमारा बन जाएगा एम। नीलम और दशहरी को अगर क्रॉस करते हैं तो बनता है मल्लिका। फिर NAR नीलम और अल्फांसो को करते हैं तो रत्ना बनता है। फिर AN को क्रॉस करेंगे तो AN बनेगा, अल्फांसो और नीलम को क्रॉस करेंगे तो अरिका नीलकंठ बनेगा। फिर RAS मतलब रत्ना और अल्फांसो को क्रॉस करते हैं तो सिंधु बनता है। ओके, ये सीडलेस वैरायटी है, ठीक है, दापोली महाराष्ट्र में बहुत अधिक इसका प्रोडक्शन किया जाता है। फिर TK को क्रॉस करेंगे तो S बनेगा, T मतलब तातापारी, और केसर को क्रॉस करेंगे तो साई सुगंधा मैंगो वैरायटी बनेगी। ये सब हाइब्रिड वैरायटी है। फिर AB को क्रॉस करेंगे तो AP बनेगा, ए मतलब अल्फांसो, और बैगन पली को क्रॉस करेंगे तो अपना क्या बनेगा, अरीका पुनीत। फिर नेक्स्ट है BA को क्रॉस करेंगे तो AA बनेगा, बैगन पली और अल्फांसो को क्रॉस करेंगे तो अरीका अरुणा बनेगा। अब आगे की क्लास हम नेक्स्ट, आगे का जो लेक्चर है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।